देश की 4 लोकसभा सीटों और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। इस दौरान कई जगहों पर ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ियों की शिकायतें मिली। सोमवार को हुए उपचुनाव में सबसे तगड़ा मुकाबला पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर देखने को मिला। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर उनकी बेटी मृगांका सिंह का मुकाबला आरएलडी की तबस्सुम हसन से है। तबस्सुम को सपा, बसपा और कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ है। यहाँ वोटिंग के दौरान कई ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें मिली। इतनी बड़ी संख्या में किसी भी चुनाव में ईवीएम खराब नहीं हुए, तो इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने ये मांग की है कि जहाँ 1.5 घंटे से ज्यादा समय बर्बाद हुआ है उन सारी पोलिंग स्टेशंस पर कल रिपोल कराया जाए। जहाँ वो प्रॉब्लम्स आई हैं जहाँ जहाँ से, वहाँ सब जगह संबंधित अफसर को भेज के और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। दूसरा दिलचस्प मुकाबला महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट पर देखने को मिला। बीजेपी सांसद चिंतामण वनगा के निधन से खाली हुई सीट पर उनके बेटे श्रीनिवास शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने राजेंद्र गावित को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें हराकर शिवसेना बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। इस सीट पर सीपीआईएम ने इलाके के बड़े किसान नेता किरण गहाला को मैदान में उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। इस इलाके में आदिवासियों और किसानों के बीच सीपीआईएम की अच्छी पकड़ है। महाराष्ट्र की ही एक और सीट भंडारा गोंदिया में भी वोट डाले गए। इस सीट पर कांग्रेस ने एनसीपी को समर्थन दिया है। यह मुकाबला एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी के बीच है। ये सीट बीजेपी सांसद नाना पटोले के पार्टी और लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। ये मशीन अगर इस तरह से अगर खराब होती जाएगी तो फिर ये चुनाव प्रक्रिया एक मजाक बन जाएगी। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो के इस्तीफे के बाद खाली हुई नागालैंड लोकसभा सीट पर भी वोट डाले गए। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए उनमें यूपी की नूरपुर सीट पर सबसे कड़ा मुकाबला रहा। समाजवादी पार्टी ने ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायत करते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की। सत्तारूढ़ दल के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसमें निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा किस तरह से निष्पक्ष चुनाव हो सके। इसके अलावा जिन विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए उनमें पश्चिम बंगाल की महेशताला, झारखंड की गोमिया और सिल्ली, बिहार की जोकीहाट, पंजाब की शाहकोट, उत्तराखंड की थराली, केरल की चेंगनूर और मेघालय की अम्पाती सीट शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।